तो नमस्कार आप सभी को। और भोजपुरी फिल्मों को सुपरस्टार पवन सिंह और निधि झा की जोड़ी आपने क्रैक फाइटर फिल्म में देखी थी। चाहे गाने हो चाहे फिल्म हो, पूरी तरीके से ये फिल्म इस साल की सबसे सुपरहिट फिल्म हो चुकी है। लेकिन आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि पवन सिंह और निधि झा का एक गाना और आप सभी के बीच, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, शूट हो रहा है। जी हाँ, शूटिंग चल रही है निधि झा और पवन सिंह का अगले गाने का। जी हाँ, तो आप सभी को हम बता दें कि ये जो गाना है आपको बॉस फिल्म में देखने को मिलेगा। जी हाँ, यानी निधि झा बॉस फिल्म में आपको पवन सिंह के साथ नज़र आने वाली हैं और उसी दौरान की तस्वीरें हैं जो इस समय इस गाने की शूटिंग चल रही है। वैसे आप सभी को हम बता दें कि इन तस्वीरों को देखने के बाद ये नहीं लग रहा कि ये आइटम्स होंगे, बल्कि ये लग रहा है कि निधि झा बॉस फिल्म में बतौर हीरोइन का किरदार निभाएंगी पवन सिंह के साथ। और लास्ट शेड्यूल चल रहा है इस फिल्म के शूटिंग का और बहुत ही जल्द इस फिल्म की शूटिंग को कंप्लीट कर लिया जाएगा। गाने की शूटिंग इस समय चल रही है, ये गाना भी आपको इसी साल सुनने को मिलेगा। और इस गाने का जो वर्जन होगा वो एक तरह से हिंदी और भोजपुरी में टच में होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि हिंदी और भोजपुरी दोनों भाषा में पवन सिंह ने इस गाने को अपने अंदाज में गाया है, जो कि काफ़ी सुपरहिट ये गाना होगा। और अलग अलग डांस के स्टेप आपको पवन सिंह और निधि झा करते हुए नजर आएंगे इस वीडियो के अंदर। ये बॉस फिल्म का गाने की शूटिंग इस समय चल रही है और बहुत ही जल्द आप सभी के बीच बॉस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, खबर आ रही है कि अगले महीने तक आपको बॉस फिल्म का ट्रेलर देखने को मिल सकता है वे म्यूजिक पर। वैसे आप सभी को हम जानकारी के लिए बता दें कि बॉस फिल्म के अंदर निधि झा का नाम एकदम नहीं आ रहा। जी हाँ, निधि झा को स्टार कास्टिंग के तौर पर नहीं लिया गया था, लेकिन क्रैक फाइटर फिल्म सुपरहिट होने के बाद ही निधि झा को एकदम से बीच में लेकर आया गया और बॉस फिल्म में एक तरह से लगता है कि स्क्रिप्ट को चेंज किया गया है और निधि झा और पवन सिंह एक साथ इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। तो कौन कौन इंतज़ार कर रहा है इस गाने का, इस फिल्म का और बॉस फिल्म के ट्रेलर का, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और भोजपुरी की इसी तरीके की खबरों को जानने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।